नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरगांव शहर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तालिबान के आते ही व्यापक स्तर पर अफगानिस्तान के साथ में भारत के रिश्ते खराब होने के संकेत मिलने लगे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डॉक्टर अजय साय ने जानकारी दी है कि तालिबान ने पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट के जरिए कार्गो के आवागमन पर रोक लगा दी है, जिससे देश में आयात रुक गया है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक बार फिर से मौत का ग्राफ बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 36,401 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 530 मरीजों की मौत हुई। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा की आज से शुरुआत होगी। यादव 3 दिन में राजस्थान में 417 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इसमें से 3 दिन में 40 जगहों पर प्रदेश की जनता से संवाद करेंगे। प्रदेश में 10 दिन बाद फिर से मौसम सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के अंदर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार जताए हैं। झालावाड़ की पंचायत समिति भवानी भंडी में ग्राम पंचायत करावन में आज घर घर औषधीय वितरण के तहत पौधारोपण एवं पौधे का वितरण किया गया, जिसमें तुलसी गिलोय अश्वगंधा सहित विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों का वितरण किया गया। पिंडवाड़ा के अंदर पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद वार्ड संख्या 18 से कांग्रेस से टिकट की मांग की थी। अगर कांग्रेस ने उनका टिकट बाहरी व्यक्ति को दे दिया, जिससे कि मधुराम देवासी के समर्थकों में काफी रोष है। बहरोड में आज एसीबी ने कार्रवाई करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रबंधक रामनंद को 5,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बहरोड कार्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। रोड शहर की डिको इंडस्ट्री एरिया में इन दिनों जगह जगह चोरी की वारदात हर रोज देखने को मिल रही है और लगातार 4 घटनाओं को अंजाम देकर चोरी का सामान लेकर फरार होते नजर आ रहे हैं। वहीं बता दें कि क्षेत्र में एटीएम सहित दुकानों व चलते सड़क मार्ग पर ही एक महिला की गले से चैन भी लेने की कोशिश की थी, लेकिन चोरों के प्रयास विफल रहे। लेकिन क्षेत्र में दुकान सहित घरों में ताले तोड़ने की चोरी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर श्री डूंगरगढ़ के उदरासर गांव के अंदर नारकानो जोहड़ में पीने के पानी की प्यातन में जबरदस्ती मृत पशु गिरने एवं असभ्य भाषा के बात करने पर ग्रामवासियों ने सरपंच पर कार्रवाई करने हेतु उपकरण महोदय को ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ के राशमी कस्बे के अंदर पिछले करीब 20 दिन के अंतराल बारिश नहीं होने के कारण क्षेत्र में कपास की फसल मुरझाने लगी है। वही किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर छा गई है। पिंडवाड़ा नगर के कोवाजी मंदिर में जिला परिषद सिरोही और पिंडवाड़ा पंचायत चुनाव में निम्न चुनाव प्रभारी श्रवण मंजारा एवं भूपेंद्र बाडोली को भाजपा नगर मंडल के सभी पदाधिकारियों जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर बैठक की गई। कोटपुतली के निकटवर्ती ग्राम गोर्धनपुरा निवासी केदार यादव की बेटी ऋतिका यादव व उनके ड्रीमलैंड एडवेंचर द्वारा 15 अगस्त 2021 को हिमाचल प्रदेश की मून पीक पर 15,125 फुट ऊंचाई पर देश का तिरंगा लहराया गया। साथ ही देश का नाम गौरवान्वित करने के उपलक्ष्य में न्यूआदर्श श्रीमन जीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय सलाहकार जगदीश मीणा व जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र बंसल एवं ग्रामवासियों द्वारा बेटी ऋतिका का माला व सोहरा पहनाकर स्वागत किया गया। हरनावता शाहजी कस्बे में पुलिस थाने में बुधवार को एसआई सूरजमल की अध्यक्षता में सीएलजी व शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी दिनों के अंदर आने वाले त्यौहार जैसे रक्षाबंधन, मोहर्रम, जन्माष्टमी व अन्य त्यौहारों को कोरोना गाइडलाइन की पालना के अनुसार मनाने के बारे में चर्चा की गई। प्रतापगढ़ के अंदर भवदासपुरा निवासी राजू कोरी की मंगलवार शाम को शौच के लिए गांव के बगल तालाब में गया था और उसकी वहां डूबकर मौत हो गई। आज सुबह करीब 10 बजे गांव वालों के सहयोग से राजू कोरी को तालाब से बाहर निकाला गया। राजू कोरी की मौत हो चुकी है।
राजू कोरे की मौत की सूचना पर ब्लॉक प्रमुख पति बापगंज राम शय सरोज की मृतक के घर पहुंचने और परिजनों से मिलकर संवेदना जताई, साथ ही मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता का भी आश्वासन दिया। झाबुआ जिले के मेघनगर में रोटरी क्लब ने अपना द्वारा 1111 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा, जिसमें तीसरे चरण में मेघनगर में स्थानीय शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल व पुलिस थाना परिसर में 401 पौधे ट्री गार्ड बनाने कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य सहायक अतिथि आयुक्त जनजाति विभाग के प्रशांत आर्य और थानला अनुभाग SGPO मनोहर लाल गवली रहे। रायबरेली के सनेरी में बुधवार को अमर शहीदों की शहादत व सनेरी में गोलीकांड के अंदर 79वीं पुण्यतिथि पर अमर शहीदों को याद किया गया तथा शहीद स्मारक सनेरी नवनिर्मित भवन व टी सेट का लोकार्पण संचालन अशोक त्रिवेदी किया गया। इस अवसर पर सनेरी के शहीद स्मारक शहीद पर शहीदों को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई और भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। पंचायत समिति में पंचायती राज और निश्चय लिपिक भर्ती 2013 संघर्ष समिति अपनी विभिन्न मांगों को लेकर देसूरी पंचायत समिति के विकास अधिकारी भैरव सिंह राजपुरोहित को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। पंचायत समिति के सभा भवन के अंदर एक दिवसीय ऑनलाइन कटिंग को लेकर राजस्व व कृषि विभाग संख्या की विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का संयुक्त प्रशिक्षण शिविर आयोजन हुआ। पदमपुर में मिनी खुराना हत्याकांड प्रकरण को लेकर दूसरे दिन शव विनय से इनकार किया गया। बड़ी संख्या में राजनीतिक व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों ने आरोपी फाइनेंसर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजकीय चिकित्सालय में डेरा डाला। आक्रोश स्वरूप मंडी में बाजार भी बंद रहे, धरना स्थल पर लगातार लोगों की संख्या बढ़ने से पुलिस के हाथ पैर फूल गए। पता चलता है कि पुलिस ने तथाकथित फाइनेंसर को राउंड अप कर लिया है। राजस्थान के अलवर बहरोड के थाना इलाके में एक युवक की तालिबानी सोच सामने आई है, जहां युवक ने अपने पति के द्वारा घूंघट नहीं निकालने से नाराज होकर 3 साल की मासूम बेटी को उसकी गोद से छीनकर जोर से जमीन पर फेंक दिया, जिससे मासूम बच्ची की मौत हो गई। राजस्थान में जयपुर और जोधपुर समेत 6 जिलों में होने वाले पंचायती राज चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। नाम वापसी के बाद में अब जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के कुल 5,826 उम्मीदवार मैदान में डटे हैं। बुधवार को नाम वापसी का अंतिम दिन था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार इस दौरान जिला परिषद सदस्य के लिए भरे गए परचून के अंदर 129 उम्मीदवार के नाम वापस लिए गए हैं। इसमें से इस मुकाबले के अंदर 653 प्रत्याशी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। वही पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए नामांकन में से 1,348 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।